हिमालय टेलीविजन देख रहा सभी दर्शकों में मैं दयाराम अग्रवाल को प्यार भरे अभिवादन। आप सभी को चाहे तो एकमात्र मारवाड़ी कार्यक्रम आपनों नेपाल आपनों गौरव में आप सबको स्वागत है और कार्यक्रम में आगे बढ़ा आपकी पंक्तियां से। मैं डॉक्टर योगी विकासानंद, आज की पंक्तियां। कभी कभी यूं भी हमने दिल बहलाया है, कभी कभी यूं भी हमने दिल बहलाया है, जो बातें खुद नहीं समझे दूसरों को समझाया है। सेवा हर तरह की हो सके है, सेवा का कई रूप है। कोई भी दिन दुखी ने या यूं कहूं जरूरतमंद की कोई अगर छोटी सी भी जरूरत पूरी कर सका वह भी एक सेवा है। लेकिन बिना स्वार्थ के अगर कोई ज़रूरत पूरी करी जा रही है कोई की वह ही सेवा कही जावेगी, अन्यथा एक व्यापार हो जावेगो। आपनों मारवाड़ी समाज सेवा कार्य के लिए हमेशा आगे रहते आयो है और एक आगे रहणीय समाज के रूप में भी जानो जावे है। दिन दुखी ने, असहाय ने या तीर्थयात्री ने या यूं कहूँ भक्तजन ने, साधु संता ने कोई तीर्थ स्थल में अगर खानों खुआने की सेवा भी कर सका वह भी एक बहुत अभूतपूर्व सेवा मानी जावे है। पिछली बार भी मैं आप लोगों ने बतायो थो आपनों यो कार्यक्रम आपनों नेपाल आपनों गौरव को आपनों परिवार पिछले 15 दिना से करीब पशुपति क्षेत्र पुष्प वाटिका राज राजेश्वरी में निशुल्क भोजन की व्यवस्था शुरू करियो है और एमे हर दिन करीब 250 से 300 लोग जिम्मे है और हर सोमवार तो अपने ही समाज की एक दूसरी संस्था समर्पण सेवा संस्था यो काम करतो आई थी 1 साल से और अब आपा हर दिन ये प्रयास ने आगे बढ़ायो है। आपने समाज का बहुत भाई लोग ऐ काम में सहयोगी के रूप में आगे आया है और अगर सहयोग ना हुआ चाहे वो शारीरिक हो या आर्थिक हो तो फिर सेवा करी को नहीं जा सके। यो जो प्रयास है ऐ प्रयास में मारो उद्देश्य यो है कि अब यो जो 15 दिन से शुरू हुई प्रयास है या कभी बंद नहीं हुआ और मैं आशा और विश्वास भी ले रखे हूँ कि सभी भाई लोग जरूर से एमें मेरो साथ आप लोग दोगा और आगे यह सेवा आपा निरंतर कर पावांगा। कोई भी सेवा में अगर आप करना चाहो चाहे शारीरिक रूप से या आर्थिक रूप से तो मेरे से 9849923804 में संपर्क करो, मैं आपकी सेवा में हमेशा हाजिर हूँ। और जो सेवा चल रही है आओ उनकी कुछ झलक अब देखा। Thank you.
अभी आप लोग देखिया निःशुल्क भोजन व्यवस्था की कुछ झलक। अहियाँ ही एक दूसरी सेवा रक्तदान, या यूं कहूँ रक्तदान जीवनदान। खून जो है पीसा सकू नहीं खरीदो जा सके, और जियाँ जियाँ जनसंख्या बढ़ रही है बीमारियाँ भी उतनी ही बढ़ रही है और खून की आवश्यकता भी उतनी ही बढ़ रही है। एक इंसान दूसरे इंसान ने बचाने के लिए अगर आपका शरीर को थोड़ो सो भी खून दे सके है तो शायद या सबसे बड़ी इंसानियत की सेवा है। न्यू तो अपने समाज की भी कई संस्था या और अन्य क्लब संघ संस्था रक्तदान में बहुत आगे रवा है। रक्तदान जीवनदान एक नारो भी है। ऐ कार्य के आगे बढ़ाने के लिए पशुपति मारवाड़ी सेवा संघ अपने समाज की एक संस्था है जो पिछले 25 वर्षों से विविध सेवा कार्य करती आई है। सागे सागे पिछला करीब 8 वर्षों से यानी 2064 साल भाद्र 15 गते से रक्तदान को भी शिविर लगाती आई है। और आज मैंने बहुत गर्व हुआ है यू बताते हुए कि पिछला शनिवार 1001 शिविर संपन्न होया है रक्तदान का, और 35,000 पिंट से ज़्यादा खून जमा करो गयो है। यू अपने आप में एक विश्व रिकॉर्ड है। हाँ, पहलो अभी को नहीं हो पाया है लेकिन दूसरे स्थान पर करीब करीब पहुँच चुका है। पहलो रिकॉर्ड अभी तक की जानकारी के हिसाब से 43,000 पॉइंट को है और अपनी यह संस्था 35,000 कर चुकी है। लेकिन कोई भी सेवा कार्य हो, अगर जुनून नहीं हुआ कोई आदमी में या कोई इंसान में तो वह पूरो को नहीं हो पावे। रक्तदान की कहूँ या मारवाड़ी सेवा संघ या जो पशुपति मारवाड़ी सेवा संघ है ऐं के लिए कहूँ तो सुभाष गोयल जी को जो जुनून है वो ही आज इस संस्था ने उर तक ल्या पायो है। सुभाष गोयल जी और उन्होंने जो साथ देने है वाली टीम है, अगर वह नहीं होती तो यो संभव कोनी थो। पिछले शनिवार ऐं अवसर में एक कार्यक्रम होयो जैमें एमाले का वरिष्ठ नेता एवं पूर्व प्रधानमंत्री झलनाथ खनाल जी प्रमुख अतिथि था, और ये जो 1001 शिविर संपन्न हुआ उनका अवसर में एक कार्यक्रम आयोजित होयो थो। आओ देखा उन कार्यक्रम की भी कुछ झलक। हाँ, अभी आप लोग देखिया रक्तदान की कुछ झलक। लेकिन कोई भी संस्था कितनी भी आगे आ जाओ, अगर रक्तदाता नहीं हुआ तो कठर रक्तदान। रक्तदान करण के लिए जो दानी दाता है, जो आपका शरीर को खून देवे है,
उड़ा में भी एक अजीब सो जुनून हुआ है। कुछ लोग हुआ है जो छोटी सी सुई भी अगर चुभाई जावे तो शरीर में बर्दाश्त को नहीं कर सके, और कोई हुआ है कि जितनी बार भी खून देने के लिए तैयार। सामान्यतया कहो जावे है 3 महीना में एक बार खून दियो जा सके है। अपने ही समाज की एक महिला है जो 14 वर्ष की उम्र से रक्तदान करती आई है और 36 साल पूरा हो गया, 135 बार रक्तदान कर चुकी है। यो भी अपना आप में एक विश्व रिकॉर्ड है। गिनीज बुक हड़ा कवह है कि रक्तदाता में अगर पुरुष और महिला को अलग अलग कैटेगरी रवह तो नीता घिराइया पहली विश्व महिला है जो 135 बार रक्तदान कर चुकी है। आज आपनी अतिथि है नीता घिराइया, उना से संक्षिप्त बातचीत करांगा लेकिन यो ब्रेक के बाद। और ब्रेक में जाने से पहले ई हफ्ता को दर्शक प्रश्न एक बार। यो हफ्ता को दर्शक प्रश्न, प्रसिद्ध तीर्थस्थल मुक्तिनाथ बाट सबैभन्दा नजिकको विमानस्थल कुन हो? अप्सन ए काठमाडौँ, अप्सन बी पोखरा, अप्सन सी भरतपुर, अप्सन डी जोमसोम। दिएका अप्सनहरू मध्ये एन टाइप गरी स्पेस दिनुहोस् र ए बी सी वा डी मध्ये कुनै एक टाइप गरी 34004 एसएमएस गर्नुहोस् र विजेता भई पाउनुहोस् आकर्षक उपहार। मलेसियामा उत्पादित चोइस ब्रान्ड सूर्यमुखी तेल, एक एक सिसी प्रत्येक हप्ता 3 जनालाई। कलर्स मोबाइल प्राइड पिजेल, प्रत्येक 2 हप्तामा 1 जनालाई। प्रत्येक महिना सीजे इन्डक्सन कुकर 1 जनालाई। विजेताको नाम आउँदो शनिबार बिहान 10 बजे आफ्नो नेपाल आफ्नो गौरवमा घोषणा गरिनेछ।